तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर भिड़ने वाली है। अब ये मुकाबला नहीं महामुकाबला होगा, क्योंकि ये मुकाबला इंग्लैंड के मैदान पर होगा, तो वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फेवर करेगा उस लिहाज से कि भारत पिछली बार भी फाइनल में जाकर हार गया था, लेकिन इस बार भारत वो मुकाबला हारना नहीं चाहेगा। उस लिहाज से भारत की स्क्वाड में जो टेस्ट की थी उसमें बड़े बदलाव हुए हैं, कुछ खराब खेल दिखा रहे खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, तो अब WTC का चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में बदलाव हुए हैं, गेंदबाजी यूनिट में भी बड़े बदलाव। चलिए आपको बताते हैं WTC के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या स्क्वाड रहेगी, उसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं, कौन से खिलाड़ी अंदर और कौन से बाहर, जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर वर्तमान में आप किसे बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं इंडिया की तरफ से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, जैसे तैसे भारतीय क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में जगह तो बना चुकी है, जहां पर भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यानी ये मुकाबला नहीं महामुकाबला होगा। दोनों टीमें एक दूसरे को इन चार मैचों की टेस्ट सीरीज में अच्छे से परख चुकी है, और भारत जब फाइनल में पहुंचेगा इंग्लैंड की सरजमी पर, तो वहां पर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में भारत की स्क्वाड को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है, माथापच्ची है और काफी ज्यादा हवा भी है। इन सबको लेकर भारत की स्क्वाड क्या रहेगी, आइए आपको बताते हैं एक एक करके उन पूरे 15 खिलाड़ियों के नाम। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की, तो इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे आएगा। कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट में अपनी फॉर्म और लाइन में आ चुके हैं, बतौर उन्हें इंग्लैंड की सरजमी पर कहीं न कहीं अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, जहां पर तेज गति की रफ्तार के साथ गेंदें स्विंग होती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर टीम इंडिया को अच्छी ओपनिंग और अच्छी शुरुआत देने का जिम्मा रहेगा। हिटमैन जब अपनी फॉर्म में हो तो टेस्ट को वनडे और T20 फॉर्मेट की तरह खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, बड़ी पारी को बिल्ड करना जानते हैं। इनके साथ में नाम KL राहुल का भी रहेगा। KL राहुल एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज पिछले कुछ समय से रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म और लाइन में नहीं है। उस लिहाज से कि KL राहुल एक बहुत बड़े खिलाड़ी तो है लेकिन फॉर्म में नहीं है, तो क्या ओपनिंग पेयर का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पर KL राहुल के आंकड़े बड़े अच्छे बोलते हैं, और वहां पर अगर इनसे ओपनिंग करवाई जाए तो फिर कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर रहेगा, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा तो KL राहुल जरूरी रहने वाले हैं। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का भी आएगा। शुभमन गिल वो खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में हाल ही में शतक लगाकर एक बहुत बड़ी पारी खेली थी। शुभमन गिल वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए एक नया क्लास और उभरता हुआ खिलाड़ी के रूप में आगे आ रहा है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए नए तुरुप केके के रूप में आगे आ रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि शुभमन गिल टीम इंडिया की एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। जगह मिली ओपनिंग पेयर में तो कमाल का प्रदर्शन ये तो करेंगे ही। उम्मीद करते हैं शुभमन गिल कमाल का प्रदर्शन करें और टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पारी खेले WTC के फाइनल में। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम चेतेश्वर पुजारा का भी आता है। चेतेश्वर पुजारा वो खिलाड़ी है जो अपने एक छोर को संभाल कर रखने की क्षमता रखते हैं। पुजारा वो खिलाड़ी है जो जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए दीवार का काम करते हैं। पुजारा धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं, और पुजारा जैसे एक खिलाड़ी की जरूरत टीम इंडिया को अभी भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखा था। चाहे पुजारा ने एक बहुत ही अच्छी पारी भी खेली थी जो कि मैच विनिंग नॉक तो नहीं, लेकिन जी हाँ टीम इंडिया के मान और सम्मान की लड़ाई के लिए जरूरी थी। चेतेश्वर पुजारा कमाल के खिलाड़ी है और टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़े खिलाड़ी। इनके साथ में नाम विराट कोहली का भी आएगा। विराट कोहली वैसे तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज है और टेस्ट फॉर्मेट में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 184 रन बनाकर एक बहुत बड़ी बात कही थी कि वो अपने बैटिंग में लंबी पारी खेलना चाहते हैं। उस लिहाज से कि विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट में बहुत ही महान बल्लेबाज की लिस्ट में है। नाम से और काम हर एंगल से विराट विराट ही है, लेकिन बात जब विराट की आती है तो फिर अपनी बल्लेबाजी से मिडिल ऑर्डर में आकर टीम इंडिया के उस फॉर्म और लय को बरकरार रखते हैं, दबाव में टीम इंडिया को निकालना चाहते हैं, इसलिए विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं विराट कोहली से आगे स्क्वाड की, तो नाम ईशान किशन का भी आएगा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर। अब ईशान किशन को इंग्लैंड की सरजमी पर इसीलिए भी बैकअप विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया जा सकता है। ईशान किशन एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, जरूरत पड़ने पर तेज गति से रफ्तार से रन बना सकते हैं। हालांकि प्लेइंग 11 में जगह मिलनी तो बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन जी हां टेस्ट स्क्वाड में इनका नाम जरूर दिया जाएगा। इनके साथ में नाम KS
भारत का भी आएगा। केएस भारत हालांकि अपनी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मुकाबलों में ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन केएस भारत चूंकि चार मैचों का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस लिहाज से प्लेइंग 11 में बाजी मार जाएंगे। केएस भारत बहुत ही कमाल के बल्लेबाज तो है, लेकिन जी हाँ, उस एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। और बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भारत बाजी मारेंगे क्योंकि ऋषभ पंत अवेलेबल होंगे नहीं, इसीलिए हर एंगल से कह सकते हैं कि केएस भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। इनके साथ में नाम अब आने लगा है सरफराज खान का भी। जी हाँ, सरफराज खान वो खिलाड़ी जो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करेंगे। श्रेयस अय्यर हालांकि फॉर्म और लाइन में नहीं थे पिछले कुछ समय से, लेकिन सरफराज खान ने शतक के ऊपर शतक लगाए हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके आ रहे हैं। उस लिहाज से भी सरफराज खान की जगह इस टीम इंडिया के स्क्वाड में तो जरूर बनेगी। सरफराज खान से हम बड़ी उम्मीद करेंगे, डेब्यू करने का मौका मिलेगा या नहीं ये तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जी हाँ, जगह जरूर बनाएंगे। और इनके साथ में नाम सूर्य कुमार यादव का भी रहेगा। सूर्य कुमार यादव भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज और टेस्ट फॉर्मेट में अपने डेब्यू भी कर चुके हैं, हालांकि उस वक्त उतना कुछ खास और फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उम्मीद करते हैं सूर्य कुमार यादव जो तेज गति से रफ्तार से रन बनाते हैं उन्हें टेस्ट स्क्वाड में मौका मिलेगा तो सही, लेकिन प्लेइंग 11 में यह देखने वाली बात रहेगी। उस लिहाज से भी कि सूर्य कुमार यादव एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो नाम रविंद्र जडेजा का सबसे आगे आएगा। जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल बहुत ही कमाल के स्पिनर्स हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में अपना टप्पा पकड़कर जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं टीम इंडिया के लिए बहुत ही कमाल के खिलाड़ी रहेंगे। इनके साथ में नाम रविंद्र चंद्र अश्विन का भी इस स्क्वाड में शामिल है। अश्विन वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का है। टीम इंडिया के लिए वो खिलाड़ी है जो अपने किसी भी पिच पर स्पिन डिपार्टमेंट के साथ में विकेट चटका सकते हैं। रविचंद्र अश्विन वो खिलाड़ी है जो किसी भी पिच पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, टीम इंडिया के लिए रनों की गहराई दे सकते हैं। उस लिहाज से भी कि रविचंद्र अश्विन एक बहुत बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। रविचंद्र अश्विन के साथ में अगर आप बात करेंगे तो नाम अक्षर पटेल का भी इस पोर्शन पर आ जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल रहेगा कि टीम अक्षर पटेल जो गेंदबाजी लाइनअप में बहुत बुरी तरह से पिटे थे, लेकिन जब इंग्लैंड की पिच पर होंगे तो फिर वो और भी ज्यादा पिटने वाले हैं। उस लिहाज से भी कि अक्षर पटेल जो बैटिंग में गहराई देते हैं लेकिन गेंदबाजी के साथ खराब है, तो उस लिहाज से क्या शार्दुल ठाकुर को यहाँ मौका दिया जाएगा? फास्ट गति की गेंदबाजी करते हैं और बैटिंग में भी आपको गहराई देते हैं और फास्ट गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है इंग्लैंड में, तो आप तीन तीन ऑलराउंडर स्पिनर्स को नहीं खिला सकते अपने स्क्वाड में। ये एक बहुत बड़ा कॉल रहेगा, अक्षर पटेल या फिर शार्दुल ठाकुर। अगर तेज गति गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शमी इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। मोहम्मद शमी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नई हो या पुरानी गेंद विकेट चटकाने की क्षमता मोहम्मद शमी रखते हैं। इनके साथ में नाम मोहम्मद सिराज का भी ले लीजिए, ये भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। सिराज ने पिछले कुछ समय से अपनी टेस्ट फॉर्मेट ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ही कमाल के विकेट चटकाए हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी है। उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। मोहम्मद सिराज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी रहेगा। खैर बात करते हैं मोहम्मद सिराज के साथ में और अगर तेज गेंदबाजों की, तो नाम उमेश यादव का भी इस लिस्ट में रहेगा। उमेश यादव भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, फास्ट डिपार्टमेंट में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से टीम इंडिया के स्क्वाड दिख रही है फॉर द WTC के फाइनल मैच के लिए। ये रहेगी स्क्वाड, लेकिन प्लेइंग 11 की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।